हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ ये बहुत ही गॉर्जियस सा आईलाइनर। तो जैसे कि आप सब जानते हो, फेस्टिव सीजन आ रहा है, इट्स गोइंग टू बी स्पार्कली, जेजी, डैजलिंग एंड गॉर्जियस। तो मैंने सोचा मैं इस बार क्यों ना अपने वन ऑफ द फेवरेट प्रोडक्ट की जो आईलाइनर में है आपके साथ, उसकी अनबॉक्सिंग करूँ और आपको दिखाऊं कि ये इतना गॉर्जियस प्रोडक्ट इतना बढ़िया है जो आपके फेस्टिव सीजन को और ज्यादा ग्लैमरस, ग्लिटरी और बहुत अमेजिंग बना देगा विद दिस जस्ट वन प्रोडक्ट। तो फटाफट से इसको मैं आपको अनबॉक्स करके दिखाती हूँ कि ये लगता कैसा है, और लेट्स गेट स्टार्टेड। ये लाइनर है Givenchy का। तो गाइस, इस लाइनर का नाम है फिनोमेनाइज लाइनर ब्रश टिप आईलाइनर 24 आवर वेयर 3 ml। तो ये 3 ml है आपका लाइनर, और मैं आपको इसका प्राइस बता देती हूँ। इसका प्राइस है 3025 रुपीज। गाइस, ये प्रोडक्ट जो है Givenchy का लाइनर मैंने लिया है नायका से। आप शेफोरा से भी ले सकते हो, डायरेक्ट Givenchy से भी ले सकते हो, और ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। इसके ऊपर कोई ऑफर्स नहीं है। गाइस, इसको अनबॉक्स करके देखते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा दिखता है। तो गाइस, गॉर्जियस ये दिखता है, आप इसको देखो, इसकी पैकिंग कितनी गॉर्जियस है, कितना सुंदर है, ये इतना ब्यूटीफुल है। गाइज, आप ये देख सकते हो, ये गॉर्जियस सा लाइनर, इतना ब्यूटीफुल है। इसकी पैकिंग देखो आप, इसकी आउटर बॉडी देखो कितनी गॉर्जियस लग रही है। तो गाइज, ये लाइनर जो है ये है बहुत ज्यादा शिमरी मेटालिक है, बहुत ज्यादा पिगमेंटेड है। गाइज, ये है वो प्रोडक्ट जो आपके ओकेजन्स को, आपके बिग डेज को, आपके सेलिब्रेशन डेज को बहुत ज्यादा अमेजिंग और स्पेशल बना देता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ग्लिटरी है, स्पार्कली है, मेटालिक है। मैं आपको इसका कलर दिखाती हूँ जो मैंने पिक करा है। मैंने कलर लिया है ये वाला, मैं आपको लगा के दिखाती हूँ, स्वॉच करके दिखाती हूँ कि ये कलर दिखता कैसा है। तो गाइज, ये कलर दिखता है ऐसा। ये अभी एक कोट है एंड दिस इज बिल्डेबल, आप इसको जितना मर्जी कोट कर सकते हो और इसको और ज्यादा ग्लिटरी कर सकते हो। तो मैं आपको इसको दो कोट के बाद दिखाती हूँ कितना अमेजिंग कलर लगता है। गाइज, ये देखो, ये बहुत ज्यादा अमेजिंग, बहुत ज्यादा ग्लिटरी है, बहुत ज्यादा सुंदर लगता है आईज के ऊपर। तो गाइज, ये लाइनर आपको 8 कलर्स में अवेलेबल मिलेगा। इसके अंदर जो कलर्स हैं वो है ग्रे, ब्लैक, गोल्डन, फ्रोजी, वॉयलेट, पिंक, पीच। तो ये 8 कलर्स हैं, 8 कलर्स में अवेलेबल हैं। मैंने ये लिया वॉयलेट कलर, पर्पल कलर। मुझे ये कलर बहुत पसंद है और मुझे लगता है कि ज्यादातर अटायर्स के साथ मिल जाएगा भी, मैच भी करेगा, तो मैंने ये कलर लिया है। आप अपनी विश के अकॉर्डिंग कोई भी कलर चूज कर सकते हो, जो भी आपको पसंद हो या जो आपके अटायर के साथ मैच करता हो। तो मैं फटाफट से आपको इसको लगा के दिखाती हूँ ये कितना गॉर्जियस लगता है। 24 आवर स्टे है, स्मच प्रूफ, जब तक आप इसको रिमूव नहीं करोगे मेकअप रिमूवर से या आप अपना फेस वॉश से फेस वॉश नहीं करोगे, तब तक इजिली निकलेगा। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, लग्जरी ब्रांड भी है, और अगर आप किसी को गिफ्ट करने का सोच रहे हो, जैसे कि आजकल होता है फेस्टिव सीजन भी ऑन है, अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हो, अपने लिए लेना चाहते हो फेस्टिव सीजन के लिए, कि आप खुद लगाओ, खुद ग्लैमर्स लगो, या फिर आपकी सिस्टर, मदर, किसी के लिए भी आप गिफ्ट करना चाहते हो, तो दिस इज वेरी गुड ऑप्शन। बिट प्राइसी बट दिस इज वर्थ इट। मैं आपको इसको लगा के दिखाती हूँ, आपको समझ आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, बहुत ज्यादा अमेजिंग इसका रिजल्ट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, मैंने अपनी आईज पे कुछ भी नहीं लगाया हुआ है, नो बेस, नथिंग, सिर्फ मस्कारा लगाया हुआ है, और मैं आपको डायरेक्टली ये आईलाइनर लगा के दिखाती हूँ, सो दैट आपको पता लगे कि इसका ओरिजिनल इम्पैक्ट, और सिर्फ अगर आप ये लाइनर लगाते हो तो आपकी आईज कैसे लगने वाली है, आप एक आइडिया ले सकते हो। तो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। तो गाइज, ये बेसिक मैंने विंग लाइनर लगाया है इस लाइनर से, तो आप देख सकते हो कितना गॉर्जियस लग रहा है। आप डिफरेंस देख सकते हो दोनों आईज में, कितना डिफरेंस लग रहा है।
ये वाली आईज कितनी ज्यादा अमेजिंग ग्लैमरस लग रही है और ये वाली आईज थोड़ी डल लग रही है इसके आगे, तो एक ग्लैमर पार्ट बहुत ज्यादा ऐड कर देता है ये वाला लाइनर। तो अभी ये सिर्फ मैंने बेसिक कैट लाइनर लगाया, तो मैं इसको थोड़ा और ज्यादा ग्लैमरस करती हूँ। तो गाइज आप देख सकते हो मैंने इसको थोड़ा और ज्यादा ग्लैमरस लुक दी है, मैंने इसको थोड़ा विंग को थोड़ा और ज्यादा पीछे ले जाके इसको थोड़ा ग्लैमरस लुक दे दिया है। तो आप देख सकते हो इसका रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा अमेजिंग लग रहा है ये। इसका आप मेटालिक इफेक्ट देख सकते हो, बहुत ज्यादा पिगमेंटेड है। आप इसके कोट्स करते रहोगे तो ये ज्यादा और ज्यादा पिगमेंटेड लगेगा, और जब इस पर लाइट पड़ती है तो ये बहुत ज्यादा स्पार्कल करता है, बहुत ज्यादा शाइन करता है, बहुत अच्छा लगता है। और फेस्टिव सीजन्स पे ओकेशन में जैसे आप जाते हो, लाइट्स होती हैं, तो ये और ज्यादा अपनी ग्रेस दिखाता है। तो आप डिफरेंस देख सकते हो दोनों आईज में मेरी, ये वाली आई देख सकते हो आप इसकी लुक कैसी लग रही है, और ये वाली आई बिल्कुल डल लग रही है इसके आगे, क्योंकि स्पार्कल से और मेटालिक से इसने आईज पे बहुत ज्यादा जान डाल दी है, बहुत ज्यादा अमेजिंग लुक लग रही है। अभी मैंने कुछ खास मेकअप भी नहीं कर रखा, जस्ट लिपस्टिक लगाई है एंड मस्कारा है। सिर्फ एक लाइनर से आप देख सकते हो कितना ज्यादा ग्लैमरस लुक लग रहा है। आई विल हाईली रिकमेंड कि आप लोग अगर कुछ लेने का सोचो फेस्टिव सीजन में, कि आपको बहुत ज्यादा गॉर्जियस सा चेन चाहिए, आपको स्पार्कल्स पसंद है, मेटालिक पसंद है, तो आप इसको चूज कर सकते हो, बहुत ज्यादा अमेजिंग प्रोडक्ट है। तो मुझे तो ये बहुत ज्यादा अमेजिंग लगा, तो मैं इस पर जरा सा मिरर इफेक्ट डाल के दिखाती हूँ आपको कि ये लाइट में कैसा लगने वाला है। जब इस लाइनर पे लाइट पड़ेगी या आप किसी ओकेशन में जा रहे हो, वहां पे लाइट्स बहुत ज्यादा अमेजिंग होती हैं, तो आप ओकेशनली अगर ये लगा रहे हो या किसी फेस्टिव सीजन पे लगा रहे हो, तो जैसे लाइट्स पड़ती हैं फेस पे, तो आपका मेकअप कैसे लगता है, तो आप इस चीज को लेकर थोड़े कॉन्शियस रहते हैं। तो मैं आपको भी दिखाती हूँ कि जैसे ही लाइट पड़ती है इस लाइनर पे तो ये कितना ज्यादा गॉर्जियस लगता है। मैं आपको फटाफट से दिखाती हूँ, देखो गाइस कितना ज्यादा गॉर्जियस इसका इफेक्ट है, कितना ज्यादा गॉर्जियस मेटालिक लग रहा है, आप देख सकते हो। तो आप देख सकते हो गाइस सिर्फ एक इस लाइनर से आप कितने ज्यादा रेडी लग सकते हो। अगर आपको फटाफट से कहीं रेडी होने, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तैयार होने का, तो आप फटाफट से लिपस्टिक लगा सकते हो और ये गॉर्जियस सा ग्लिटरी लाइनर लगा सकते हो एंड यू आर रेडी टू गो। तो फटाफट से मैं आपको दूसरी आई भी कंप्लीट करके दिखाती हूँ कि लुक कैसी लगती है फाइनल लुक। तो गाइज लुक कंप्लीट हो चुकी है, मैंने अपने लाइनर को थोड़ा गॉर्जियस वे में, थोड़ा डिजाइनर वे में लगाया, तो आप देख सकते हो इसकी लुक कैसी लगती है। गाइज इसकी लुक बहुत ज्यादा अमेजिंग है, बहुत ज्यादा ग्लिटरी है, ये मेटालिक इफेक्ट देता है, लाइट में मैंने आपको दिखाया कि ये बहुत ज्यादा अच्छा लगता है।
और आप देख सकते हो कि इससे एकदम से बहुत ज्यादा ग्लैमर, बहुत ज्यादा मूड अपलिफ्टिंग सी फीलिंग आती है, बहुत ज्यादा अच्छा गॉर्जियस है। आप देख सकते हो मैंने एक ब्लैक कलर की टॉप पहनी है, बिल्कुल ब्लैक, बिल्कुल प्लेन ब्लैक सा है ये, और उसके साथ ही लाइनर मैंने लगाया है, तो मेरे पूरे आउटफिट की एक लुक बिल्कुल चेंज हो गई है, बहुत ज्यादा ग्लैमरस लग रहा है। तो आप देख सकते हो अपने अकॉर्डिंगली जो भी आपको कलर हो आप उसमें से चूज कर सकते हो। तो मैंने खरीदा है उसका नंबर है 04 एंड दिस इज पॉप पर्पल। तो या गाइस ये था मेरा लाइनर का अनबॉक्सिंग और मैंने आपको लगा के दिखाया है कि इसको अप्लाई कैसे करना है, और बेसिक भी लगा सकते हो, मेरे जैसे थोड़ा सा फैंसी लुक भी दे सकते हो, एंड आप आई शेडोज के ऊपर इसको यूज कर सकते हो, डायरेक्ट यूज कर सकते हो, कैसे भी आप कर सकते हो। प्लस इसमें शेड्स भी आपको बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, कलर भी बहुत ज्यादा मिल जाएगा। एंड या गाइस ये प्राइसी साइड में है, मैं ये नहीं बोलूंगी आपको कि ये बहुत ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली है, प्राइसी ये है, प्लस इसकी जो क्वांटिटी है वो भी कम है, इतना सा है ये, 3 ml है। ये नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा कम क्वांटिटी है, जो बहुत ज्यादा रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं आई गेस उनके लिए कम पड़ता होगा 3 ml, अदरवाइज बहुत ज्यादा आता है। क्योंकि मैं आपकी नॉलेज के लिए बताती हूँ, जो आईज के रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे लाइनर हो गया या आपके लेंसेज हो गए या फिर मस्कारा हो गया, जो आई से रिलेटेड चीजें हैं उनको वैसे भी आपको 3 to 6 months के अंदर यूज करना चाहिए, उससे ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। पहली बात तो आईज के जितने भी प्रोडक्ट लिक्विड प्रोडक्ट होंगे वो तो वैसे भी 6 months के अंदर अंदर उसके बाद वैसे भी खराब हो ही जाएंगे, सूख जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। प्लस ये आपकी आईज के लिए भी अच्छे नहीं है कि आप उसको बहुत ज्यादा टाइम ड्यूरेशन के लिए उसको यूज कर रहे हो, 1-2 साल तक आप एक ही प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो। अगर आपके इतने प्रोडक्ट्स नहीं यूज होते हैं आईज के लिए तो इट्स बेटर आप बहुत ज्यादा कम लिमिटेड प्रोडक्ट्स रखो, सो दैट आपकी आईज भी सेफ रहें। प्लस आप छोटी क्वांटिटीज के प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हो कि आप अगर ओकेशनली लगाते हो तो इतना ज्यादा आपको मैटर ना करे कि हाँ ये इतना ज्यादा प्रोडक्ट रह गया और मेरा वेस्ट हो रहा है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली छोटी क्वांटिटी के प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हो। प्लस या अमेजिंग है ये बहुत ज्यादा प्रोडक्ट, मेरे लिए थम्स अप है, अगर आप अपने लिए या अपने लव्ड वंस के लिए इसको खरीदना चाहते हो, प्राइस बट बहुत ज्यादा अमेजिंग प्रोडक्ट। जैसे कि आपके प्रियजन है जो आपके बिल्कुल क्लोज है, आपकी बहन हो गई, मम्मी हो गई, मदर इन लॉ हो गई, उनके लिए तो आप ले ही सकते हो। इट्स टोटली योर कॉल कि आपको ये प्रोडक्ट कितना पसंद आया है। तो दिस वॉज माई रिव्यू। सो या मैं तो इसको बहुत ज्यादा यूज करने वाली हूँ, जैसे कि फेस्टिव सीजन भी आ ही गए हैं तो मेरा तो ये बहुत यूज होने वाला है और मुझे तो ये बहुत ज्यादा पसंद आया, मैं उसको रोज ही लगाने वाली हूँ। सो आई होप यू गाइज फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल गिव इट अ थम्स अप एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।